हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। यार आज के ब्लॉग में बहुत ही खास तो नहीं हो सकता। आज मैं सुबह जब मैं उठा तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं ड्राइविंग क्लास में गया नहीं। तो अब देखो, शायद मैं शाम को जाऊँगा, भैया ने कहा कि शाम को देखते हैं। अब यार मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मेरे घर के सब लोग गए हुए हैं दिल्ली थोड़ी सी घूमने और मैं घर पर अकेला हूँ। तो चलो भाई, मैं किचन में जाता हूँ। मैं थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैंने सोचा नहीं, मैं सिर्फ 2 केले लूँगा अभी, बाद में उसके बाद देखते हैं मैं क्या लेता हूँ। तो ये मैंने उठा लिए 2 केले और इसको खा लेता हूँ फटाफट, फिर देखते हैं उसके बाद मेरे को क्या करना है। अभी तक मैं 3 केले खा लिए हैं यार, एक और खाने का मन कर रहा है। ये बात कहाँ से आ रही है, क्या है भाई? अच्छा, कबूतर है यार। जब भी घर में अकेले होते हैं ऐसे ऐसे आवाज़ में देना, डर बहुत ज़्यादा लगता है। क्या, चलो कबूतर है, चल भाई मौज ले। तू भी जाते हैं, एक और एक खुदा खा ही लेते हैं यार, फिर खा के फिर जाऊँगा मैं नाने। घर वाले हैं नहीं, रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं, मौज करो यार। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और मेरी अभी 2 घंटे कोई क्लास नहीं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ नहाने। तो उठा लिया मैंने, अब चाहता हूँ मैं बस बात। अब बेसिकली हमारे बाथरूम तो एक्चुअली घर में 3 है, पर नहाने वाने के लिए हम सब ऊपर ही जाते हैं शुरू से ही। तो बस ये सीढ़ी है, हम ऊपर जा रहे हैं। बस मैं अगर अपना अंडरवियर और ले लूँ यहाँ से। ये जो रूम आप देख रहे हो, ये है पूजा वाला रूम। यहाँ पे हमने मतलब लेफ्ट में ही रखे हुए हैं, मंदिर बना रखा है। छोड़ा जा, आप ही यहाँ देखो, ये लगी है सामने। चलो अब मैं चलता हूँ नहाने। तो अभी मैं हूँ बाथरूम में, अब फटाफट नहा दोगे फिर देखते हैं। पहले में घर में अपने पूजा करेंगे, फिर मैं पूजा भी कर दूंगा और नहीं कर कर दोगे तो अच्छी बात है। अच्छा, मेरे से करी थी, मेरे को ध्यान नहीं वैसे तो। और फिर नहा धो के फिर हम चलेंगे, नीचे जाऊँगा मैं और फिर अपनी क्लास वास अटेंड करके फिर शाम को देखते हैं, कहीं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। तो आप बाहर का सीन थोड़ा दिखाते हैं। ओके, घर वालों ने पूजा कर दी है, चलो सही है। जय बाबा मोहन राम की, जय हो जय हो। हाँ जी, तो मेरी क्लास से एकदम ख़त्म हो गए, ये मेरी आखिरी क्लास थी। इसमें मेरे को मेरे एक्चुअली 2 प्रोग्राम्स दिए थे HTML से करने को। अब ये मैं कर रहा था। अब बेसिकली क्या थी, HTML में हम 2 तरीके से इमेज पुट कर सकते हैं। एक हम बैकग्राउंड में, हमें दिया था हमें कि मैं बैकग्राउंड इमेज हमें पुट करनी है। तो मैं एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, इमेज सोर्स लगा के यहाँ पे बॉडी के ऊपर, जहाँ हम यहाँ बॉडी को जहाँ क्लोज कर रहे होते हैं ना, यहीं पे बॉडी के ऊपर हम वो लगा दे रहे थे इमेज सोर्स। तो उससे क्या होता है, मतलब इमेज सोर्स से क्या होता है, जो इमेज आ जाए ना हमारी, वो बैकग्राउंड में नहीं आके वो एक यहाँ सिंपल तरीके से आ जाएगी, कॉपी पेस्ट। ठीक, तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कैसे करना है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा उसको, फिर मैंने पता चला कि बॉडी के बाद बैकग्राउंड लगा के यहाँ पे अपने सीधा इमेज का नाम डालो, फिर वो बैकग्राउंड में आ जाती है। ये सीन हुआ था और इस चीज़ को मतलब करने में भी टाइम लग गया, फिर भी मैंने निकाल लिया ये। तो आज सुबह हमें को आया था कि ना, मेरे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी हरियाणा फर्स्ट ईयर के लिए खोल दी गई है। एक बात मेरे को डाउट भी हुआ कि यार फर्स्ट ईयर के लिए लिखा है, तो मैं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये खोलेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड सबके लिए साथ में खोलेंगे। तो मैंने भी सोचा हो सकता है भाई कुछ शायद से खोल भी दिया होगा। और फिर जब हमने मतलब ध्यान में लिया, जो ये डेट्स जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये 11/3 यानी कि कल की है, 11 तारीख की। और स्टैम्प, और विश्वास लो भाई, इसमें स्टैम्प्स वगैरह सब लगे हुए थे। बट बाद में फिर जब मैंने अपना, जिससे मेरी क्लास पूरी हो गई, फिर मैंने मैडम से पूछा था, तब मैडम ने बताया कि बेटा ये फेक है, ये ऐसे वायरल कर रहे हैं बच्चे, ये फेक है एक्चुअली। जब क्योंकि 11 तारीख को महाशिवरात्रि थी और हमारी छुट्टी थी उस दिन, तो उस दिन तो कोई चांस ही नहीं बनता कि मतलब यूनिवर्सिटी या कि मतलब ये नोटिस बना के ऐसे वो कर दें। तो गाइस, अब क्लास तो पूरी हो चुकी है। मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, मेरे बस वही जब के 3 केले खाए हैं। अब भूख लग रही है, कुकिंग वगैरह मेरे को आती नहीं, मैगी खाने का मन नहीं। तो अब मैं थोड़ा जाता हूँ बाहर, कुछ खा पी के आता हूँ। और ये मेरे बस थोड़े बहुत ही रुपये पड़े हैं, तो आप देख सकते हो, इसी में कुछ देखते हैं, कुछ जो कुछ मिलेगा खा लेंगे अपना बस। तो मैं आया हुआ हूँ दूध लेने, और ये जो मुर्गा सामने देख रहे हो, ये दूध वाले अंकल ने पाल रखा है। ये बेसिकली मतलब उसे अंडे वंडे के लिए नहीं, ये उसके लिए पाल रखा है, मतलब जो इनके खेतों में जो कीड़े मकड़े होते हैं उनको खा रहता है, इसीलिए पाल रखा है ये।
इसकी भी जिंदगी अपनी मस्त चल रही है, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, एकदम मजे में। टाइम हो रहा है शाम के 6 और बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, थोड़ा इधर पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे यार बारिश से ही ठंड आती है, बारिश से ही ठंड जाती है। बारिश से अब पहले से ज़्यादा तेज़ होने लगी, तड़ता बहुत तेज़ थी। जैसे वो भैंस दिख रही है आपको लेफ्ट साइड में, वो उसके लिए जमीन गीली हो चुकी है, बेचारी खड़ी हो गई है पेड़ के नीचे, भीग ही रही है बेचारी तरीके से। वो भी इंतजार कर रही है कब बारिश खत्म हो, तब मैं यहाँ से जाऊँ, परेशान हो रही है। बारिश अब पहले से धीरे हो गई, कम से कम पूरे 1.5 घंटे बरसाए पानी यहाँ पे खूब तेज चीज। आके 7:30 बजे के दम मेरे घर के सब आ चुके हैं, गाड़ी दिल्ली से आके एकदम पूरी गंदी, इसी भी हमने इसको तुरंत साफ करी कि मिट्टी और थोड़ी सी जम गई, तो बस पानी वानी मारने से साफ़ हो गया, तो बाद में हमें फिर वो मारना पड़ता और ये पूरा पानी और मैंने वाइपर पर सब मारा था, पर बारिश हल्की हल्की हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो अभी मैं यूट्यूब पर थोड़ी लेक्चर्स देखने वाला था, इससे मैं उसके पहले मेरा लैपटॉप पानी क्यों हैंग कर रहा है, क्योंकि कहा से मैंने फायर वॉल ऑफ कर ली थी गेम खेलते हुए, तब ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ा सही करते हैं इसको। टाइम हो रहा है रात के 10 और बस मैंने ये वीडियो शेड्यूल कर दी थी कि मतलब इस टाइम पे 10:30 बजे की तरफ की अपलोड हो जाएगी, तो आप अब तक तो देख भी चुके होंगे। बस अब वीडियो अपलोड होने को ही है, ये टाइमिंग आप देख ही रहे हो, 4:01:00 वीडियो स्क्रीन में, और जिनमें खाए हो आप लोग वीडियो देख चुके होंगे, और अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी लेफ्ट साइड में, तो फटाफट जाके देखिए। बाय। तो बस आज के लिए इतना ही हो रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, उसका सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट्स भी करो जितना ज़्यादा उसके फ्रेंड्स बनाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।